ये फोन केस ठीक है, पर मैं जानती हूँ कि और बेहतर कैसे दिखेगा। मुझे अपनी ग्लू गन चाहिए। ग्लू से लव हार्ट बनाएंगे, अब इसे फिल करेंगे, बस ग्लू सेट ना हो जाए। इससे पहले इस पर ग्लिटर डाल देंगे। पूरे फोन केस पर अलग अलग कलर का ग्लिटर डालेंगे। मुझे बहुत पसंद आया, ये परफेक्ट है। हेलो, कैसा चल रहा है? वो क्या भी, जरा इस फोन केस को तो देखो। हे, तुम ये कहाँ से लेकर आई? बहुत अच्छा है। हाँ, ओ, तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? ये बहुत आसान था, ये सब इसकी वजह से हुआ। ये क्या, कोई मजाक है? वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मेरे लिए भी एक बना दो। क्या सुबह हो गई, कितनी अच्छी नींद आई। मैं तैयार हो जाती हूँ, दांत एकदम साफ कर लेंगे। मुझे सीरो बहुत पसंद है। क्या टाइम हो गया, मैं स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहती। जल्दी से बैग पैक करना होगा। मुझे ये चाहिए। ओ, और ये भी। मुझे क्लास में बहुत सारी चीजें ले जानी है, बस कुछ भूल ना जाओ, सब फिट आ जाएगा। मैं ग्लू गन तो छोड़ कर नहीं जाऊंगी। कुछ मिसिंग है। आहा, मिल गया। मैं और टॉयज ले जाना चाहती हूँ, स्कूल बहुत बोरिंग है। ओह, ये बढ़िया है, लगता है अब मेरे पास सब कुछ है ना? लगता है मैंने सब कुछ रख लिया, और कुछ तो नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो चलो चली। ओह, ये भारी है। चलो भीड़, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ। कोई दया नहीं। मेरा बैग, नीचे की तरफ कोई छेद था। ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? ओह हे, एक कार्डबोर्ड बॉक्स, शायद ये काम आ जाए। मैं इसमें अपनी सारी चीजें रख देती हूँ, साइज भी परफेक्ट है, बस कुछ चीजें बाकी हैं। बाकी किसे जरूरत। हाँ चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये अभी भी बहुत भारी है, ये उठ नहीं रहा। क्या सच में फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या इस्तेमाल करूं? मेरी ग्लू गन, ये आज काम आ जाएगी। पहले इस बॉक्स पर पतली सी ग्लू की लाइन लगाते हैं, एकदम आराम से। ये एकदम सीधी होनी चाहिए और बीच में गैप्स ना हो। इस तरफ और स्क्वायर्स बनाएंगे और बॉक्स के ऊपर तक बनाते जाएंगे। इसे करने में मजा आ रहा है। बॉक्स को स्क्वायर्स से कवर कर दिया है, अब साइड पर भी और लाइंस बनाएंगे। ये ऊपर वाली लाइन से मैच होनी चाहिए, हम एकदम आराम से करेंगे। अब दो हैंडल्स को फ्रेम पर लगा देंगे और अब बस हमें बॉक्स को निकालना है। और नया बैग तैयार है, इसमें सारा सामान रख सकते हैं। ये सारा कमाल मेरी ग्लू गन का है। होमवर्क करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर करते रहना होगा। अब ये पूरा नहीं हुआ, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा झपकी ले लूँ। देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अब समझ आ रहा है, ये फॉर्मूलास और कैलकुलेशंस काम आएंगी। बिल्कुल, मैं वो थ्योरम कैसे भूल सकती हूँ। वाह, कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मैथ वेज देखकर अच्छा लगा। बस थोड़ी सी और कैलकुलेशंस। एक सेकंड रुको। हाँ यूरेका, मेरा होमवर्क, मेरी सारी मेहनत ये गीली हो गई और खराब। नहीं, हे भगवान, मेरा होमवर्क गीला तो नहीं है? भगवान का शुक्र है, वो बस एक सपना था। तुम अभी भी अपना होमवर्क कर रही हो? वो ऐसे क्यों देख रही हो, तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रेस्ट नहीं ले सकती, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ये रहा मेरा 3D पेन, तुम इसके लिए तैयार हो? इस मग को उल्टा करेंगे और अब मैं इस मग को इस पेन से ट्रेस कर लूंगी पूरा घुमाकर। तो चलो अब मग को हटा देते हैं, अब बस इस सर्कल को फिल करना है। इसे करने का सबसे आसान तरीका, बस इसे घुमा घुमा कर करते जाएं। अगर लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो भी कोई परवाह नहीं, बस करते जाएं। सीधी लाइंस किसे चाहिए। तो चलो बस आखिरी लाइन और ये हो गया। टडा, मैंने मग के लिए कवर बना दिया। अब ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ी और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाएंगे। अब इसे वापस कवर तक ले जाएंगे और इस शेप में इसे फिल करते जाएंगे। जब ये वाला हो जाए तो मैं और बनाऊंगी, एक एक को अच्छे से फिल करना है। ये मैंने कर दिया, चलो इसे टेस्ट करें। शानदार, ये बिल्कुल टिका रहता है, एक परफेक्ट छोटा सा मग कवर। वाह, तुमने कैसे बना दिया, और देखो मैं ड्रिंक भी पी सकती हूँ। और अब ये ढक्कन वापस लग जाएगा, अब मुझे अपने होमवर्क के खराब होने की परवाह नहीं, और ये गीला भी नहीं होगा। कितनी गहरी नींद आई, मैं कुछ अच्छा सुन लेता हूँ।
हेलो हे, मुझे सॉन्ग पसंद है, इससे मुझे डांस करने का मन करता है। पहन लिया। वुहू, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। शूज प्लीज। ओह हाँ, मेरे वॉक पर ध्यान मत देना, मुझे ऐसे करने में मजा आता है। क्या खुशबू है। नेचर बेबी। हे, ये लियाम है, कैसे हो? एवा, हाय। रुको, नहीं लियाम, मत जाओ। वो मुझे क्यों बुला रही है? लियाम, रुको, वहाँ बनाना है। उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है ना? ओह नहीं, वो सब ठीक है, मेरी मूव्स को कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन ओह, अरे यार, मेरे हेडफोन्स। मेरा अच्छा समय खत्म हुआ, अब मैं किससे सुनूंगा? इसके मुकाबले इसका बेस तो बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं ऐसा खुद भी बना सकता हूँ। मुझे बस एक 3D पेन की जरूरत है। अब इसे फिल करेंगे, लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे। अब इसके ऊपर ये लगाएंगे, पेंसिल से साथ में जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इन तीनों पार्ट्स को साथ में जोड़ दें। इसे यहाँ पर चिपकाएं। टाडा! लो, ये बिल्कुल सिक्योर है। लियाम, तुम ठीक तो हो? ओह हाँ, जरा ये देखो, अब मैं दोबारा गाने सुन सकता हूँ। फिर मिलते हैं। परफेक्ट। लियाम, स्नैक्स तैयार है। मैं जानती हूँ तुम्हें ऑरेंजेस पसंद है। नहीं, पहले अपने हाथ धोकर आओ, तुम्हें रूल्स पता है ना? ये साफ है। हे, जाकर हाथ धो। ठीक है। ये भी क्या बात हुई, पर अगर वो ये चाहती ही हैं तो ठीक है। मैं बहुत सारा सोप लूंगा मॉम। ये तो बहुत स्लिपरी है। हे, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। नहीं, चलो छोड़ो इसे। साफ हो गया, देखो मुझे भूख लगी है। ओ, यहीं पर रुको, मैं होकर आती हूँ। वाह! ओह नहीं, लियाम। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया? मैं अभी सर के बल गिरती। ये साबुन, ये नीचे क्यों पड़ा है? ये खुद चलने लग गया क्या? चलो भी, तुम यहीं रहोगे। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन की मदद से आपका साबुन अपनी जगह पर रहेगा। कुछ ऐसा बना सकते हैं, यह आपके साबुन को टिकाए रखेगा। हम इसे बिल्कुल साबुन के ऊपर बनाएंगे ताकि इसकी शेप बनी रहे। अब ये पूरा नहीं हुआ। इस पेन से इलस्ट्रेशन को कलर करें। हमने यूनिकॉर्न चुना है। अलग अलग रंगों से इसे और मजेदार बनाएं। बस कलर जेल को इस तरह चलाना है और वाला, एक यूनिकॉर्न। देखो कितनी प्यारी सॉफ्ट डिश है। इसे इसमें रख दो और ये आराम से फिट आ गई। बहुत अच्छे। मेरी नजरें तुम्हीं पर है। ठीक है, लेगिंग्स अच्छी लग रही है। मेरी मोमेड लुक पता चल रही है। ओह, इसके साथ ऐसे बाल नहीं चलेंगे, मुझे ठीक करना होगा। रुको, ये क्या है? मेरे कंघे को क्या हो गया? अरे हाँ, मैं मोमेड स्टैंड से घर आई थी। मैंने अपनी टेल को हटाया, उससे शांति मिली। मेरे पैर तो फ्री हो गए, पर टेल से बदबू आ रही थी, तो मैंने उसे धोने का सोचा। मोमेड टेल्स को भी साफ करना जरूरी है। मैं वहीं पर थी तो मैंने और भी कपड़े डाल दिए, जैसे कि मेरी पिंक जीन्स, और जीन्स की पॉकेट में मेरी कंघी थी, और फिर मैंने उसको वॉश कर दिया। फिर मैं चली गई, जैसे कि सब कुछ ठीक था। ओह नहीं!
इसका कुछ कर सकती हूँ, है ना? लगता तो है। मैं ट्राई करके देखती हूँ। होल्डर की शेप अभी भी कंघी जैसी है, तो इसके ऊपर मैं गोल्ड लीफ डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर एपॉक्सी डालेंगे। ये मोल्ड की तरह काम कर रहा है। इसे पूरा क्लियर एपॉक्सी से नहीं भरना, इतना काफी है। अब इसमें ग्रीनिश कलर डालेंगे। लो, इतना काफी है। अब इसे सेट होने दें। हाँ, अब ये तैयार है। उम्मीद है काम करे। वाह, ये तो काम किया। और देखो ये कितनी प्यारी बन गई। हाँ, चलो इसे ट्राई करें और देखते हैं बाल सीधे होते हैं या नहीं। ओह, ये तो मेरी पुरानी कंघी की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब से मेरी सबसे फेवरेट कंघी है। ओह देखो, तुम मुझसे अच्छी मर्मेट बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे अच्छी ही हूँ। जरा मेरी नई मर्मेट कॉम तो देखो, तुम्हारे पास ये फोक है। हाँ? मुझे ये कॉम मिलनी चाहिए। अरे हाँ, भागो यहाँ से। भागो, हम बारिश में गीले हो रहे हैं। लगता है ये रुक गई। भगवान का शुक्र है। हाँ, काफी मुश्किल हो रहा था। ओ नहीं, मेरा चेस बोर्ड, ये तो खराब हो गया। पता नहीं ये हुआ भी कैसे। सुनो, यही रहना, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, ठीक है, मैं लगभग तैयार हूँ। बस अपना चेहरा बचाना होगा। ग्लव्स तैयार है, चलो काम शुरू करें। ये रहे मेरे मोल्ड्स, अब मैं इसमें थोड़ा ग्लिटर डालती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे अपने मोल्ड्स में डालती हूँ, ज्यादा नहीं। अब इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा रेड और बिल्कुल थोड़ा ग्लिटर, बढ़िया। अब इसे दूसरे मोल्ड में डालते हैं। परफेक्ट, अब इसे सेट होने देते हैं। और लगता है ये पूरा हुआ। हाँ, ये निकल गया, काफी बढ़िया बन रहा है। मुझे ऐसे थोड़े और बनाने होंगे। ये बनना शुरू हो गया है, पर मुझे और क्लियर मिक्सचर चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लगती है। अब इसे मोल्ड में डाल देते हैं। सारे स्क्वायर शेप में इसे भरेंगे और जो पहले से बना रखे हैं उन्हें भी यहीं लगा देंगे। और बिल्कुल सही अमाउंट होना चाहिए। इस आखिर वाले को छोड़कर बाकी सारे फिल हो गए हैं। पूरा हुआ। हे भगवान, कितना बढ़िया लग रहा है। हे, और उदास मत हो, मैंने तुम्हारे लिए नया चेसबोर्ड बनाया। मेरे लिए? वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। हे, तुम खेलना चाहोगी? ये अच्छी नहीं है, जाओ। मैं इतनी बदसूरत हूँ या वो बहुत ज्यादा बुरी है? जाओ। शायद उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। हाय। हाँ, जाओ। शायद मैं समझी नहीं। आओ, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आओ। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो ये लीजिए। काफी दिलचस्प है। तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, बुरा नहीं है, खासकर ये अजीब सा एंगल, पर ओवरऑल ये बोरिंग है। नहीं, ठीक है, जाओ। अरे यार, इन फैब्रिक पैटर्न्स को तो देखो, तो उसे ये पसंद है। तो मैं कुछ अच्छा बना सकती हूँ। इस तरह की लाइन पैटर्न से शुरू करें। रुको, अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर से एक नया डिजाइन बनाएं। दिलचस्प लग रहा है ना? पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। ये रंग साथ में अच्छे लगते हैं। और ये पूरा हुआ लगभग। ओ मिस, मैं इस बार नई पिक्चर्स के साथ आई हूँ। तुम दोबारा आ गई। परोसा कीजिए, आपको ये पिक्स पसंद आएंगी। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ये तो काफी अनोखा है। हमारी एजेंसी यही ढूंढ रही है। तुम्हारा स्वागत है, बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अब मैं मॉडल हूँ। हाँ, मैंने अपनी डाइट का आखिरी दिन पूरा कर लिया। चलो निकलो सेलरी, मैं कुछ फ्लेवर वाला खाना चाहूंगी। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। तो चलो, मैं सारे नूडल्स पर ये डाल देती हूँ। मुझे पेपरोनी दो, कितनी अच्छी है। हॉट डॉग्स भी। और अब नूडल्स की बारी, मुझे पसंद आया। ये क्या कर रही है? मुझे इसके सबूत भी चाहिए होंगे। थोड़ा क्लोजअप से। हे, रुको।
हे भगवान, मुझे माफ कर दो। देखो तुमने मेरे फोन का क्या हाल कर दिया। लो ये नैपकिन ले लो, मुझे बुरा लग रहा है। हे, एक सेकंड रुको। बिल्कुल मेरा 3D पेन। मुझे एक आइडिया आया। ये रहा ब्लैंक फोन केस और मेरा पेन। इससे हम येलो कलर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। मुझे बिल्कुल ध्यान देकर नहीं करना, बस इसे फिल करते जाना है। बस आखिरी कोना बचा है और हो गया। इसे थोड़ा सजाकर ये और बेहतर दिखेगा। हे भगवान, कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है ये खाने की चीज है। टडा, तुम्हें कैसा लगा? प्यारा है ना, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पसंद आया। हे, तुम्हें थोड़े नूडल्स चाहिए? तुम्हारी मर्जी। रुक जाओ, नहीं। क्या, हम वॉर करते हैं? मैं पहले ही बता दूं, मैं एक प्रो हूँ। हाँ, काफी अच्छी हो। मुश्किल हो रहा है, हार मान भी लो। बेंडी का ध्यान कहीं और है। तुमने चीटिंग की। वो जरा ये देखो, वो क्या रहा है? हम कहाँ हैं? क्या चल रहा है? मेरी तरफ मत देखो, बहुत गर्मी है। हाँ जरा रुको, ये क्या है? क्या ये स्कॉर्पियन है? तो, अरे नहीं, जैस्मिन, तुम क्या कर रही हो? वो कहाँ गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ठीक तो हो? मुझे पानी चाहिए। जो भी हो, बहुत गर्मी है, मैं अपना पसीना भी इकट्ठा कर सकती हूँ। सच में? है तो ये पानी ही। मेरे मैनर्स कहाँ गए? तुम्हें चाहिए? शुक्रिया। ओ, बहुत प्यास लगी है। ये क्या है? काफी अलग चीज है, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता। मैंने तो ऐसा मूवीज में ही देखा है। वो ये काफी बेहतर है। ये देखो, जूसी वाटरमेलन। मुझे यही तो चाहिए। खुशबू कितनी अच्छी है। ओ, चलो भी, क्या बकवास है। शायद ये काम आए। अब हम क्या करेंगे? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पहले एक मून की शेप बनाएंगे और फिर वर्टिकल लाइन से फिल करेंगे। हर लाइन के बीच में जगह छोड़ेंगे। अब इसके नीचे एक लाइट ग्रीन की लाइन आएगी और नीचे आते जाएंगे। हाँ, इतना काफी है। अब रेड कलर लेंगे, पैटर्न वही रहेगा, पर नीचे जाते जाते ये छोटा होता जाएगा और ये वाटरमेलन के स्लाइस जैसा दिखेगा। देखा, अब डिटेल्स बनाएंगे। ये बहुत आसान है, ब्लैक सर्कल्स ही बनाने हैं। पूरे रेड वाले सेक्शन पर रहेंगे। ट्रायंगल की टिप पर एक होल करेंगे और वाटरमेलन स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे और एक प्लास्टिक टाई लेकर इन होल्स के बीच में से निकालेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। ये फैन बन गया और इतनी गर्मी में ये परफेक्ट है। वाह, इससे राहत मिलेगी। वाह, ठंडी हवा आ रही है। हे भगवान, जैस्मिन, मुझे माफ कर दो। डरा दिया, मुझे तो ये पीछे से मिला था। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कोई मजाक की बात नहीं है, कम से कम मेरे पास फैन है। फेरी मेरा सारा होमवर्क ले गई। क्या, वो अभी भी सो रही है? पर टाइम तो देखो, 7:30 बज गए। वो कुछ ज्यादा ही सो ली है। टीना, टीना हनी, तुम्हें जागना होगा, नहीं तो लेट हो जाओगी। बस 5 मिनट और। ठीक है, तो तुम्हें यही चाहिए। टीना, जाग जाओ, मॉम रॉक कर सकती है। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कौन है? गुड मॉर्निंग हनी, अब जाग भी जाओ। क्या, क्यों? क्यों हनी, टाइम तो देखो, 7:30 बज गए हैं। अब तो स्केड्यूल देखो, तुम्हें 7 बजे उठना चाहिए था। हाँ, स्केड्यूल के हिसाब से स्कूल भी जाना होता है। हाँ बिल्कुल, चलो अब उठो और तैयार हो जाओ। मॉम रुको, मैं खुद कपड़े पहन सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी प्यारी राजकुमारी। मुझे ये आउटफिट पसंद है, थैंक्स मॉम। अरे नहीं, तुम्हारी बाल।
हमें इसका कुछ करना होगा। रुक जाओ। नहीं मॉम, ये ब्रशेस दूर रखो, इससे मुझे लगती है। खैर, हमें तुम्हारे बालों का कुछ करना होगा। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारे बाल बनाने के लिए कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मॉम अभी आ रही है। ठीक है, तुम्हारे हेयर क्लिप्स के लिए ये मोल्ड्स है, इसमें नट्स डालेंगे। पहले इसमें कैंडीज डाली, अब रेसिन डालेंगे। ये क्लियर एपॉक्सी होगी ताकि कैंडी के रंग अच्छे से दिखें। सारे कैंडीज के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। अब ये मोल्ड रेसिन से ऊपर तक भरा हुआ है। हाँ, सब डाल दिए। बस इसमें क्लिप्स डालेंगे और इसे सेट होने देंगे। अब हम इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। हनी देखो, मैं तुम्हारे बालों पर क्या लगाऊंगी, कैंडी क्लिप्स। ये मेरी नट्स कैंडीज से बने हैं। वाह, मुझे पसंद आए। हाँ बिल्कुल, इन्हें पकड़ो, मैं तुम्हारे बाल बनाकर ये लगा देती हूँ। चलो अब एक क्लिप लगाते हैं, एक इस साइड और फिर एक दूसरी साइड भी। ये मेरे बालों में कैंडी है, कितना कूल है। थैंक्स मॉम। बिल्कुल, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ओ नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है, चलो जल्दी भागो। ओ, इसकी आँखों को तो देखो, मैं इन्हीं में खो जाती हूँ। इससे परफेक्ट और क्या होगा। जैसा मैं सोचती हूँ ये बिल्कुल वैसा है। हम साथ में बहुत प्यारे लगेंगे। रुको, शायद एक रास्ता है, शायद मेरी स्पेल्स बुक काम आए। मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा, पर पहले मुझे एक एमुलेट चाहिए। थोड़ी जगह बना लेते हैं। एक एपॉक्सी रेजिन का बोल चाहिए। अब इसमें ग्लिटर डालेंगे। ये आ गया स्पार्कल। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिल जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। अब इसे मोल्ड में डालेंगे। मैं एक लव हार्ट का मोल्ड लूंगी। वाह, इसके कलर को तो देखो। इसे ऊपर तक भर देंगे। अब सेट होने का इंतजार करेंगे। मोल्ड से निकाल लेंगे। अब इस पर चेन लगा देंगे। वो कमाल का लग रहा है, मुझे यही तो चाहिए। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, अब स्पेल की बारी है। इस नेकलेस की वजह से मैथ्यू को मुझसे प्यार हो जाएगा। उसे बताओ कि मैं ही उसकी किस्मत में हूँ। कुछ ऐसा करो जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। ये काम कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह हाँ, तो चलो। एमिली, वाह, उसने मुझ पर ध्यान दिया, मुझे उससे बात करनी चाहिए। हे एमिली, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो तुम्हारा नेकलेस तो कमाल का है, इसे देखकर मुझे लगता है ये हिप्नोटिक है। हाँ, तुम ठीक तो हो? लगता है मुझे जाना चाहिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। खोलो एमिली। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये आइडिया बहुत ही बकवास था। लो ये तुम रख लो, अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये कहाँ से आया, बहुत ही अजीब है। रुको, नेकलेस, मुझे वो चाहिए। दूर रहो। अरे करना होगा। ठीक है, बुरा मत मानना। तुम ये क्या कर रही हो, बात करने का समय नहीं है। हे, शांत हो जाओ। हुआ क्या है, क्या जल्दी है। मेरी डेट है क्रिस के साथ, जरा उसे देखो, वो कितना प्यारा है। जैसा तुम कहो, मुझे पता होना चाहिए था। मुझे तैयार होने दो, मुझे अच्छा दिखना है, मैं परफेक्ट दिखना चाहती हूँ। शांत हो जाओ, सब ठीक ही रहेगा। हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे नेकलेस चाहिए। ओह ये अच्छा है, मुझ पर तो हमेशा जचता है, पहना नहीं जा रहा। फिट नहीं आ रहा। लूना मेरी मदद कर दोगे? ठीक है, लाओ दो, मैं पहनाऊं। ओह ये मत करो। मेरा नेकलेस। ये क्या बकवास है, अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करती हूँ। यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ? समझ गई, मुझे ये 3D पेन चाहिए। मैं इसे इस पर ड्रॉ करती हूँ। पेन से कुछ लूप्स बनाएंगे पूरे नेक पर। अब इसके ऊपर और लूप्स बनाते जाएंगे। लो, लगता है ये तैयार है। ये एक चोकर नेकलेस है। जेनिफर, देखो मेरे पास क्या है। क्या? ओह,
तुमने इसे बनाया है, ये तुम्हारे लिए है। वाह शुक्रिया, मुझे ये पसंद आया, ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। तुम्हें जाना चाहिए, मजे करो। फिर आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक मॉडलिंग क्ले का सर्कल लें और उस पर हार्ट के शेप के दो खोखे कटर्स रखें। अब इन कटर्स को दबाएं और फालतू के क्ले हटा दें। अब कटर्स को हटा दें। अब इसके बीच में एपॉक्सी रेजिन डालें। सिरिंज से ही थोड़ा आसान हो जाएगा। अब रेजिन को सूखने दें। अब इस पर थोड़ा ग्लिटर डालें और एक और हार्ट रख दें। ये नेकलेस कितना खूबसूरत है, वो जरा इसे देखो, खूबसूरत है। बस इसे खींचना है और ब्रेसलेट तैयार है। प्यारा है ना? और जेनिफर आ गई। हाय लूना। हाय, रुको, तुमने पियर्सिंग करवाई, कूल है ना? मुझे कुछ अलग चाहिए था। मुझे भी कुछ अलग चाहिए, मैं भी ये करा सकती हूँ। ये हुई ना बात, चलो चले। हाय, मैं याद हूँ, मैं एक और विक्टिम लाई हूँ, मेरा मतलब क्लाइंट। ये सच में? हाँ, हम इसके लुक को भी कूल बना सकते हैं। चलो आओ बैठो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ शायद, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पियर्सिंग्स चाहिए। कूल, शुरू करते हैं। तुम बात ही नहीं करती। हाँ, थोड़ा दर्द होगा। क्या ये नीडल है? हाँ एक तो है, हिलना मत। मैंने कहा हिलो मत। नहीं! तुमने शर्मिंदा कर दिया। वो नीडल बहुत बड़ी थी, पर मुझे सच में पियर्सिंग चाहिए। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। या शायद कुछ है, मेरे पास एक आइडिया है। हमें थोड़ी आईलैश ग्लू चाहिए और ये बीड्स। चलो शुरू करें। बीड पर ग्लू लगाएंगे, तुम्हारी स्किन पर जोड़ेंगे। चलो अब नोज पियर्सिंग करें। वाह ये अच्छा लग रहा है, काश मैं अपने बारे में ये सोच लेती। और ये आखिरी है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसमें दर्द भी नहीं हुआ। तुम अच्छी लग रही हो। पियर्सिंग बडीज, मॉम बहुत गुस्सा होंगी। वे क्या दिन था। वाओ, इतनी जल्दी नहीं, जरा मुझे देखने दो। शूज अच्छे लग रहे हैं। ना, तुम अंदर नहीं आ सकती। क्या बोल रही हो, साइन देखो, शूज पहनकर नहीं आ सकते। ओह ठीक है। वो कितने सारे क्रॉक्स पड़े हैं, मैं अपने वालों को कैसे पहचानूंगी। मैं जानती हूँ वो कोई चोरी कर लेगा। मैं नहीं होने दे सकती। मैं क्या कर सकती हूँ। पापा मजेदार है। वो काम आएगा, ये मुझे दो। उप्स, माफ करना, ये लो। सोडा, थैंक्स। कोई बात नहीं, मुझे यही तो चाहिए। शूज को पर्सनलाइज करने के लिए पहले इस पॉपेट में से बबल्स को काटेंगे। इससे कलर इस पर आएगा। इसे मैं शूज पर लगाऊंगी और ग्लू से इसे चिपकाऊंगी और वाइब्रेंट लुक के लिए कलर्स को मिक्स कर लेंगे। लगभग हो ही गया। वाह कस्टमाइज्ड सैंडल्स। अब मैं जानती हूँ मेरा पैर कौन सा है, बाकी के बहुत बोरिंग है। हाँ अब मैं अंदर जा सकती हूँ। मजे करो। हाँ, चलो आराम करें, मुझे घर चलना चाहिए और शूज पहन लेती हूँ। हाँ वो कहाँ चले गए, कोई ले गया। पाप, पाप, पाप। ये शूज बढ़िया है लेकिन थोड़ी स्मेल आ रही है। ओ हे पाप, पाप। ओ कितनी प्यारी है, आज भी कमाई का दिन है। रुक जाओ, कुछ नियॉन है, ये देखो। ठीक है तुम अंदर जा सकती हो, मजे करो। वो क्या हुआ, ये नियॉन पार्टी है, तुम्हारा कहाँ है। इस आउटफिट को देखो, इन पर एक्सेसरीज की जरूरत है। ये साइन देखो, नियॉन पार्टी।
ठीक है। चलो पार्टी करें। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे दिखूं? एक मिनट रुको, ये मुझे दो। हे, तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरा है, मैं मजे से पी रहा था। पहले 3D पेन से इस तरह एक ब्लॉब बनाएंगे और फिर इसे ग्लास के आसपास लपेट देंगे। हर लूप में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाएंगे, इसे ग्लास के ऊपर तक करेंगे। पिंक कितना ब्राइट है, बस थोड़े से और, इतना काफी है। अब मैं अपने हाथ को इस ग्लास में डालूंगी और प्लास्टिक को रेस्ट की तरफ करेंगे। कितना बढ़िया ब्रेसलेट बन गया, अब इस ग्लास की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, नियॉन दिखाओ। टाडा, अब खुश हो? मुझे दिखाओ। मैं श्योर नहीं हूँ, अब कैसा रहेगा? ये चलेगा? तुम्हें मुझे अंदर जाने देना होगा। मुझे पसंद आया, चलो जाओ। आखिरकार तो मेरे ड्रिंक का क्या हुआ? नई ज्वेलरी क्यों खरीदनी है जब आप उसे खुद बना सकते हैं? पिंक जितना भी हो मुझे कम ही लगता है। और शेप्स के मामले में हार्ट शेप में जेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। लो, एक से बेहतर दो। अब एपॉक्सी रेजिन की बारी। घबराएं मत, हम इस पर स्पार्कल डालेंगे और सुंदर सुंदर बीड्स भी। ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, लाखों में से एक, बिल्कुल मेरी तरह। वो एक असली मॉमेड, विश्वास नहीं होता। हाय, ओह हेलो ह्यूमन, ओह पास आओ। मैं, पर मेरे फिन्स हैं, देखो। ओह अच्छा, ये देखो, पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है? वाह, ये तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया। योर वेलकम, ये शानदार है। ओह मेरी आँखें, हाँ वो कहाँ चली गई? ये क्या हुआ, क्या वो पानी में है? हाय फिशी, नहीं। क्लेयर, हाँ? ओह तुम हो, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा स्कूल है। ओह हाय एवरीवन, ठीक है एक बार मैं ही आओ। अरे वाह, साइन कर सकती हूँ प्लीज? वाओ, हेलो, मैं यहाँ हूँ, देखो। रुको, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। रुको, मेरे रास्ते से हटो। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। अब जरा देखो, ये प्रिंटेड डिजाइन देखो। शेप बनाने के लिए बेंडेबल वायर इस्तेमाल करें। लो, अच्छा लग रहा है। जब ऐसे दो बन जाए तो दो कप एपॉक्सी रेजिन के साथ जो भी मनपसंद कलर हो वो डाल दें। बढ़िया, इसे स्टिक से फिल कर दें इस तरह, और पर्ल कलर यहाँ डालें। इसे फ्लैट कर दें। अब इस तरह सर्कल बनाएं। ये छोटा सा सन लग रहा है, बहुत प्यारा है। और इस साइड पर छोटा सा क्रेसेंट मून बनाएं। ग्लॉस से ये टिक जाता है। परफेक्ट, ये सब सूख गया, जरा देखो। एक्सक्यूज मी, मैं आ रही हूँ। शुक्रिया, बिल्कुल। वाह कितना क्यूट है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। हे ये मैच कर रहे हैं। हे मेरी बेस्टी से आराम से पेश आओ। हे हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अब हम साथ साथ हैं। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, टाइम हो ही गया, हम आजाद हैं। रुको, हाँ मेरे पास स्नैक्स है, ये लो। शुक्रिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। हे जरा ये ऐड देखो। वो इसे अभी खरीद लो। पीका पीका, ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। बढ़िया है ना? ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट, काश मेरे हाथ और बड़े होते। बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास चम्मच है ना? एक चम्मच, खैर ये बहुत अजीब है।
हाँ, अब थोड़ी आइसक्रीम लो। सच में? पर मैं इसे अपने मुंह में कैसे डालूं? ये बहुत मुश्किल है, बस पकड़ ही लिया। मजेदार है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? क्या ये पोकेमोन की चेन है? कूल। मुझे भी ये डील चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत क्यूट है ना? अरे यार, आज ही अपनी कीचेन ले लो, कॉल करो या फिर टेक्स्ट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस ये चम्मच चाहिए। हाँ, ये क्ले के पीसेस देखो, इन्हें इस तरह रोल करो। अब इसे स्पून के ऊपर रखें। एक और स्पून से इसे फ्लैट कर दें। ये परफेक्ट है। अब एक मजेदार हिस्सा, बहुत सारा ग्लिटर डालेंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट से इसे सुखा देंगे। हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। सुंदर है। वाओ, अब मेरे पास अपनी कीचेन है। इसे बैकपैक पर लगा दो प्लीज। हाँ, ये लो। और इसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगे। अरे हाँ, जरा ये तो देखो। तुम मेरी सबसे अच्छी मोमेंट बेस्टी हो। ओह, अरे यार, ये पिघल गई। ये आइसक्रीम सूप है। अब हम कुछ खाएंगे। वाह, वो मेरी ड्रीम गर्ल है। हर कॉप को डोनट्स पसंद होते हैं। मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बहुत मजा आएगा। वो अच्छे लग रहे हैं। अभी नहीं। ये इतना लाउड क्यों है? हेलो, काश मैं उसे अपनी बाहों में ले पाता। मेरी डोनट्स, अब मैं उन्हें नहीं खा पाऊंगा। काश मैं कुछ कर पाता। सोचो मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं? ओह, लगता है मैं समझ गया। आहा, 3D पेन से एक सर्कल बनाए, बाहर की तरफ घुमाते जाए ताकि ये सर्कल बढ़े। जब आपको सही साइज मिल जाए तो आप 3D पेन से इसकी हाइट बढ़ाए। बस इसके ऊपर ऊपर लेयर्स बनाते जाए। ये करते करते बीच तक आ जाए और फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक मिनी डोनट। अलग अलग रंग इस्तेमाल करें और फ्रॉस्टिंग भी लगाएं। देखकर ही भूख लग गई। अच्छा लग रहा है। अब इस पर स्प्रिंकल्स और चेन लगाएंगे। कितना बढ़िया गिफ्ट है। वाह, उम्मीद है उसे पसंद आए। मैं आ रहा हूँ मेरी जान। हे, अब तुम्हें क्या चाहिए? इधर आओ। ये कोई चाल तो नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओ, ये खूबसूरत है। मुझे पसंद आया। तुम कितने प्यारे हो। हो। हे। 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 हाय ब्रायन, मैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, ये मेरे लिए है। इसे खोलते कैसे हैं? रुको। अरे नहीं, मेरा हीरो। बाल बाल बचा। हाँ, ओ, मेरे पास एक आइडिया है। अपना आईफोन बचाने के लिए आपको बस एक ग्लू गन चाहिए। आईफोन के कोनों पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे, कैमरा बचाकर फोन के साइड पर ग्लू को गिरने दे। हम चाहते हैं कि फोन सेफ रहे। अब इसे बाकी जगह पर फिल कर दे। अच्छे से ग्लू लगाए ताकि मोटी लेयर बनी रहे। जब फोन कवर हो जाए तो ग्लू को सेट होने दे। अब फालतू की ग्लू हटा दे और ये बन गया एक अनोखा फोन केस। तुम्हें कैसा लगा? ओह, ये तो कमाल है। शुक्रिया ब्रायन। ओप्स, क्या दिन था। वो, इतनी जल्दी नहीं, जरा मुझे देखने दो। शूज अच्छे लग रहे हैं। ना, तुम अंदर नहीं आ सकती। क्या बोल रही हो? साइन देखो, शूज पहनकर नहीं आ सकते। ओह, ठीक है। वो, कितने सारे क्रॉक्स पड़े हैं। मैं अपने वालों को कैसे पहचानूंगी? मैं जानती हूँ, वो कोई चोरी कर लेगा। मैं नहीं होने दे सकती। मैं क्या कर सकती हूँ? पापा, मजेदार है।
वो काम आएगा, ये मुझे दो। उप्स, माफ करना, ये लो। सोडा, थैंक्स। कोई बात नहीं, मुझे यही तो चाहिए। शूज को पर्सनलाइज करने के लिए पहले इस पॉपेट में से बबल्स को काटेंगे। इससे एक कलर इस पर आएगा। इसे मैं शूज पर लगाऊंगी और ग्लू से इसे चिपकाऊंगी और वाइब्रेंट लुक के लिए कलर्स को मिक्स कर लेंगे। लगभग हो ही गया। वाह, कस्टमाइज्ड सैंडल्स। अब मैं जानती हूँ मेरा पैर कौन सा है, बाकी के बहुत बोरिंग है। हाँ, अब मैं अंदर जा सकती हूँ। मजे करो। हाँ, चलो आराम करें। मुझे घर चलना चाहिए और शूज पहन लेती हूँ। हाँ? वो कहाँ चले गए? कोई ले गया। पाप, पाप, पाप। ये शूज बढ़िया है लेकिन थोड़ी स्मेल आ रही है। ओ हे। पाप, पाप। ओ, कितनी प्यारी है। ओह, इतने सारे पैसे। हे, वापस आओ। रुको, मुझे अपने पैसे छिपाने होंगे। ओह, दीवार का होल काम आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे इस होल में डाल देती हूँ और 3D पेन से ही सेफ रहेगा। पहले इसकी आउटलाइन बनाते हैं और फिर डायगोनल लाइंस बनाएंगे। दूसरे डायरेक्शन से भी ऐसा ही करें। अब इसे स्पाइडर वेब की तरह बनाएंगे। बिल्कुल बीच से शुरू करते हुए सर्कल बनाएंगे। इस तरह मेरे पैसे अब सेफ हैं। ओह नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो ये सब ऐसे होता है? तुमने ये गिरा दिया था। ओह, कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ। मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह, गुदगुदी हुई। मेरे दांत चमक रहे हैं। ओ नहीं, शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है, अब क्या करना है? मेकअप सही लग रहा है। ओह, मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होनी चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटे छोटे लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्क्रॉल लगाएं। इसे काटने के लिए कैंचे का इस्तेमाल करें। ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ? मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी। अच्छे फिल्टर्स ढूंढना मुश्किल होता है। स्माइल करो। वाह, ये जगह कितनी कूल है। हे लेडीज, तुम अपनी हैट लाई हो? हाँ, लाई तो हूँ। ये क्यूट है ना? हाँ, हम इसे ग्राम पर डालेंगे। मुझे टैग कर देना। मुझे नहीं पता था इस पिकनिक पर हैट लानी है। अब मैं क्या करूँ? लगता है मेरा लक चल गया है। हाँ, ये क्या? वो ठीक तो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रो मत ओलिविया, लो ये ले लो। शुक्रिया। जो भी हो, यहाँ एक और ऑप्शन है। जरा देखो, वाटरमेलन को इस तरह रखेंगे, फिर अपना ग्लू पेन लेंगे और बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे। पहले एक सॉलिड डॉट बनाएंगे और इस तरह लाइंस बनाएंगे। जब ये कुछ ऐसा दिखे तो इसके बीच का गैप फिल कर दें। एक टाइम पर एक सेक्शन करें और बिल्कुल भी जगह ना छोड़ें। अब एक और लाइन बनाएं और एक और, इन्हें साथ में जोड़ दें और जैसे ऊपर कलर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। लगता है सारा हो ही गया। और ये लाइंस सजावट के लिए होंगी। अब रेड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बनाएं
अब समझ आया कि क्या है। मैं हिंट देती हूँ, ये वाटरमेलन से इंस्पायर्ड है। ये सीड्स हैं, देखो। चलो इसे ट्राई करें। तुम्हें हैट चाहिए थी ना? खैर, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अनोखी बनाई है। तुम्हें पसंद आए? वाह, मैं इसकी फोटो लेती हूँ। वो बहुत खुश है। ये लो, हम तुम्हारी पिक्चर पोस्ट करेंगे। ये कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर। चलो इस हेयर क्लिप को और दिलचस्प बनाएं। क्लिप पर इस 3D पेन से स्पाइरल बनाएंगे, वो भी थोड़ा ऊंचा। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इतना काफी है। अब मैं इसे अपने बालों पर लगाऊंगी। कैसा लग रहा है वेंडी? बहुत ही बढ़िया, हम खूबसूरत लग रहे हैं। और तुम्हें ये कैसा लगा मिस्टर यूनिकॉर्न? खैर केक के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, चलो फिर इसे यूनिकॉर्न के सिर से सेलिब्रेट करें। वूह! आज यूनिकॉर्न और केक किटी की डांस पार्टी होगी। ये क्या है? वो हमें कुछ दिखाएगा। ये बहुत ही अनोखा लिमिटेड एडिशन यूनिकॉर्न थीम फोन केस है। अरे वाह, क्या बात है। हमारे पास ये सबसे कम प्राइस में लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ $200। अभी कॉल करो। मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभी क्या भी चाहिए। मॉम! क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? चोट लगी है? ओ, बस भी करो। क्या? देखो टीवी, मुझे वो चाहिए। हाँ, ये कैसा मजाक है? उस फोन केस के लिए $200 दूँ? देखा, वो बढ़िया है ना, मुझे चाहिए प्लीज। ठीक है हनी, देखते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं यूनिकॉर्न फोन केस लेना चाहती हूँ। मॉम बहुत अमीर है, वो मुझे दो दो लेके दे सकती है। नहीं, तीन। हाँ, हे भगवान, हनी तुमने मुझे डरा दिया। ये लो। ओ, मम्मी के पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। मैं उसे वो फोन केस नहीं दिला पा रही, वो बहुत महंगा है। हाँ, ये क्या चीज है? शायद ये काम आए। हाय, मुझे दो फोन केस चाहिए। हे, यही रुक जाओ हनी, मम्मी के पास एक प्लान है। हाँ, ये रहा यूनिकॉर्न मोल्ड और थोड़ा एपॉक्सी रेजिन। इस पूरे मोल्ड में बराबर रेजिन डालना होगा। हो गया, अब बस इसे सेट होने देंगे। इसे मोल्ड से निकाल कर देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, अब हम इसे फोन केस पर लगा देंगे। परफेक्ट, और उसे बहुत पसंद आएगा। टीना, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, एक सरप्राइज। वाओ, एक यूनिकॉर्न फोन केस, ये तो टीवी वाले से भी बेहतर है। बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा। क्या, अब टीवी पर ये क्या है? फोन केसेस तो पुराने हो चुके हैं। जरा ये मजेदार हेडफोन्स देखो, इसके साथ रॉकिंग म्यूजिक का मजा लो। वो केक किटी की तरह। ठीक है, लेगिंग्स अच्छी लग रही है, मेरी मॉमेड लुक पता चल रही है। ओह, इसके साथ ऐसे बाल नहीं चलेंगे, मुझे ये ठीक करना होगा। रुको, ये क्या है, मेरे कंघे को क्या हो गया? अरे हाँ, मैं मॉमेड स्टैंड से घर आई थी, मैंने अपनी टेल को हटाया, उससे शांति मिली। मेरे पैर तो फ्री हो गए, पर टेल से बदबू आ रही थी, तो मैंने उसे धोने का सोचा। मॉमेड टेल्स को भी साफ करना जरूरी है। तो मैं वहीं पर थी तो मैंने और भी कपड़े डाल दिए, जैसे कि मेरी पिंक जीन्स, और जीन्स की पॉकेट में मेरी कंघी थी, और फिर मैंने उसको वॉश कर दिया, फिर मैं चली गई जैसे कि सब कुछ ठीक था। ओह नहीं, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ, है ना? लगता तो है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। होल्डर की शेप अभी भी कंघी जैसी है, तो इसके ऊपर मैं गोल्ड लीफ डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर एपॉक्सी डालेंगे, ये मोल्ड की तरह काम कर रहा है। इसे पूरा क्लियर एपॉक्सी से नहीं भरना, इतना काफी है। अब इसमें ग्रीनिश कलर डालेंगे। लो, इतना काफी है, अब इसे सेट होने दें। हाँ, अब ये तैयार है, उम्मीद है काम करे। वाह, ये तो काम किया, और देखो ये कितनी प्यारी बन गई। हाँ, चलो इसे ट्राई करें और देखते हैं बाल सीधे होते हैं या नहीं। ओह, ये तो मेरी पुरानी कंघी की तरह काम कर रहा है। हाँ, अब से मेरी सबसे फेवरेट कंघी है। ओह, देखो तुम मुझसे अच्छी मर्मेड बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे अच्छी ही हूँ, जरा मेरी नई मर्मेड कॉम तो देखो, तुम्हारे पास ये फोक है। हाँ? मुझे ये कॉम मिलनी चाहिए। अरे हाँ, भागो यहाँ से। फिर मेहनत का काम है, ये कैसे हो सकता है? कमाल की डिस्कवरी है, बस आराम से। ये तो रोमन पॉटरी का एग्जाम्पल है, मैं फेमस हो जाऊंगा। मुझे इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। ओ, ये शेल्फ काम आएगी, कितना खूबसूरत है।
अब हम सफाई करेंगे। हर जगह डस्ट है। हाँ, ये कप यहाँ क्या कर रहा है? कितना पुराना सा है। मैं जानती हूँ इसका क्या करना है। कप को उल्टा रखें, एक एल्यूमिनियम बॉल की शीट लें और इसके एक बॉल बना दें। एल्यूमिनियम बॉल के ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाएं। अब इसे कप के बेस पर चिपका दें। ऐसे ही और तीन बॉल्स लगाएं। इस तरह एल्यूमिनियम फॉल को शेप दें और कप के साइड पर लगा दें और दूसरी साइड फॉल की एक लंबी स्ट्रिप लगा दें। अब फॉल के ऊपर कलर्ड ग्लू डालें, कोई भी जगह ना छोड़ें। कप को भी ग्लू से ढक दें। पहले रिम से शुरू करें और फिर ग्लू को नीचे आने दें। जब ये सेट हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक स्माइली फेस भी बनाना। ये काफी बेहतर है। हे, तुमने मेरा आर्टिफैक्ट देखा? वो एक छोटा सा कप था, काफी पुराना दिखता था। ओह, मैंने उसे ठीक कर दिया। देखो ये कैसा मजाक है। मेरी इतनी मेहनत खराब हो गई। तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन। हाय, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ओह, एक पेन। ये कोई आम पेन नहीं है। मेरे पास पहले से ही लेजर पेन है। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? ये दिखने में लिपस्टिक है, पर देखो। हाँ, अच्छा लगा। हाँ डूड, मेरे पास ये पिछले साल से है। ठीक है, इसे बेचना मुश्किल है। जरा सोचने दो। ओ, मैं समझ गया। थोड़ा जल्दी कर दोगे? इससे सब दिखता है। सच में? जरा इन्हें देखो, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, मेरे पास ये है। टूटे हुए ग्लासेस को एक जगह पर रखें। 3D पेन से अब इसे जोड़ें। ग्लासेस के फ्रेम पर इसे लगाते जाएं। अब फ्रेम के ऊपर भी यही करें। जब ये हो जाए तो इसकी डंडी जोड़ें और इसके ऊपर भी 3D पेन चलाएं। पूरे पर यही करें। पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटे भी थे। मैंने जोड़ दिए। ये स्टाइलिश है ना? ओ, मुझे ट्राई करने दो। खैर, तुम्हें कैसा लगा? ये तुम ही रखो। पर ओ, मैं समझ गया। आज भी कमाई का दिन है। रुक जाओ, कुछ नियॉन है। ये देखो। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। मजे करो। वो क्या हुआ? ये नियॉन पार्टी है, तुम्हारा कहाँ है? इस आउटफिट को देखो, इन पर एक्सेसरीज की जरूरत है। ये साइन देखो, नियॉन पार्टी। ठीक है, चलो पार्टी करें। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे दिखूं? एक मिनट रुको, ये मुझे दो। हे, तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरा है, मैं मजे से पी रहा था। पहले 3D पेन से इस तरह एक ब्लॉक बनाएंगे और फिर इसे ग्लास के आसपास लपेट देंगे। हर लूप में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाएंगे। इसे ग्लास के ऊपर तक करेंगे। पिंक कितना ब्राइट है। बस थोड़े से और, इतना काफी है। अब मैं अपने हाथ को इस ग्लास में डालूंगी और प्लास्टिक को रेस्ट की तरफ करेंगे। कितना बढ़िया ब्रेसलेट बन गया। अब इस ग्लास की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, नियॉन दिखाओ। ठहरा, अब खुश हो? मुझे दिखाओ। मैं श्योर नहीं हूँ। अब कैसा रहेगा? ये चलेगा? तुम्हें मुझे अंदर जाने देना होगा। मुझे पसंद आया, चलो जाओ। आखिरकार, तो मेरे ड्रिंक का क्या हुआ? कितना खूबसूरत है। 2 हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला। हमने साथ कितना अच्छा समय बिताया। मैं इमोशनल हो रही हूँ। ओह, हाय डेविड। मुझे ड्रिंक चाहिए, बाहर बहुत गर्मी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? एनिवर्सरी प्रेजेंट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती थी। वो थैंक्स, इसे पकड़ो जरा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये तो बढ़िया है, मुझे यही तो चाहिए था। तो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे?
हाँ क्या? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें एक प्रेजेंट दिया तो हाँ, मैं तो ये सब भूल ही गया था। मेरे पास बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे पास कुछ है। अपनी आंखें बंद करो। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अब मैं क्या करूँ? समझ गया। जल्दी जल्दी में गिफ्ट चाहिए, हम संभाल लेंगे। सोडा कैन से फुल टैब्स निकाल लें, 3 टैब्स को पिंक कलर करें, थोड़ा सा गंद मच जाएगा। बाकी टैब्स को ग्रीन पेंट करें, इन्हें अच्छे से पेंट करें, जरा भी ना छोड़ें। अब इन्हें सूखने दें। इन्हें उल्टा करें और इस साइड भी पेंट करें। इन्हें सीधा रखकर मेटल रिंग से जोड़ दें। इयररिंग हुक्स लगाएं और ये बन गई एक अनोखी ज्वेलरी। हाँ तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें पसंद आए ये तुम पर जचेंगे। बहुत पसंद आए। थैंक यू। मुझे क्या दिखाओ, क्या ये? वाह क्या कोइंसिडेंस है, तुम बहुत प्यारे हो। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह तो हम खाएं? बिल्कुल। ओह फैंसी, ये लो, कितना रोमांटिक है। लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं। बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दें। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दें। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे। थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे यसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया। यम्मी। वाह अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। मैं बहुत नर्वस हूँ, बस एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ। एमिली मुझे और कॉन्फिडेंट होना होगा। एमिली नहीं, ये बेकार लग रहा है। एमिली ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे प्यार की निशानी है। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? उप्स, ओ नहीं, वो कहाँ चली गई? वो यही कहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हे एमिली, मैं तो बस प्रेसअप्स कर रहा था। चलो बैठ जाते हैं। तुम अच्छी लग रही हो। अरे वाह अच्छा। हाँ सच में। रुको क्या ये नेल पॉलिश है? मैं ये ले सकता हूँ? क्यों? भरोसा रखो इससे सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्लास्टर के ऊपर नेल पॉलिश लगा लेता हूँ, पतला सा बैंड बन जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो इसे पेंट करेंगे, पिंक कलर सही रहेगा। और इससे डार्कर शेड से गैप्स को फिल कर देंगे। अच्छा लग रहा है। और इस पर दिल बनाएंगे, ये परफेक्ट है। बस ये गिर ना जाए। हाँ तो चलो। एमिली क्या हो रहा है मैथ्यू? हे भगवान ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये चिप्स चलेंगे? हाँ हाँ मैं इस लेवल को पार कर लूंगी। मेरे लिए यहाँ जगह है। यहाँ चेयर है, मैं इसी पर बैठूंगी। फिर आखिरकार यहाँ आने में बहुत समय लग गया। पर अब सब तैयार है और अब हम शुरू करेंगे।
स्ट्रेच कर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेहतर है। रेज, मैं इसे पीछे छोड़ दूंगी और स्पीड रन टाइम मैं ही सेट करूंगी। क्या तुम मेरे ऊपर ये सब फेंकोगे? नहीं हो सकता। डाई। ओ, ये क्या है? क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो मैंने मिस कर दिया। क्या, मेरा कीबोर्ड? इसे क्या हो गया? मेरी कीज फैल गई है, मैंने खराब कर दिया। ओ, इस W लेटर को तो देखो। खैर जो भी है, इसे हटाते हैं। मुझे इसके लिए कुछ अलग करना होगा। चलो इसमें एपॉक्सी डालें। इसे ज्यादा नहीं भरना, उससे खराब हो जाएगा। लो, सारे भर दिए, अब ये सेट होंगे। अब हम इसे निकाल सकते हैं। देखो ये कितना प्यारा है। अब इसे कीबोर्ड पर लगा देंगे, जितनी भी कीज मिसिंग है। हाँ, मेरा नया क्यूट कीबोर्ड कितना अच्छा है। अब मैं अपना स्पीड रन सेट करती हूँ। स्ट्रेच कर लूं। रेज, चलो तुम ये कर सकती हो। और तेज, और तेज। रुको, वो मैंने कर दिया, मैंने रिकॉर्ड बना दिया और ये मेरे लकी कीबोर्ड की वजह से हुआ। हे, अरे वाह, बहुत अच्छे, तालियां। बस इसे खींचना है और ब्रेसलेट तैयार है। प्यारा है ना? और जेनिफर आ गई। हाय लूना। हाय, रुको, तुमने पियर्सिंग करवाई, कूल है ना? मुझे कुछ अलग चाहिए था। मुझे भी कुछ अलग चाहिए, मैं भी ये करा सकती हूँ। ये हुई ना बात, चलो चलें। हाय, मैं याद हूँ, मैं एक और विक्टिम लाई हूँ, मेरा मतलब है क्लाइंट। ये सच में? हाँ, हम इसके लुक को भी कूल बना सकते हैं। चलो और बैठो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ, शायद ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पियर्सिंग्स चाहिए। कूल, शुरू करते हैं। तुम बात ही नहीं करती। हाँ, थोड़ा दर्द होगा। क्या ये नीडल है? हाँ, एक तो है। हिलना मत। मैंने कहा हिलो मत। नहीं! तुमने शर्मिंदा कर दिया। वो नीडल बहुत बड़ी थी, पर मुझे सच में पियर्सिंग चाहिए। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। या शायद कुछ है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें थोड़ी आईलैश ग्लू चाहिए और ये बीड्स। चलो शुरू करें। बीड पर ग्लू लगाएंगे, अब तुम्हारी स्किन पर जोड़ेंगे। चलो अब नोज पियर्सिंग करें। वाह, ये अच्छा लग रहा है। काश मैं अपने बारे में ये सोच लेती। और ये आखिरी है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें दर्द भी नहीं हुआ। तुम अच्छी लग रही हो। पियर्सिंग बडीज, मॉम बहुत गुस्सा होंगी। हे, इन शेल्स को तो देखो, मुझे बड़ा वाला चाहिए। तुम मेरे साथ घर जाओगे? ये तो और कमाल का है। ओ, वाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। और शेल्स पर भी तुम्हारा एक जैसा ही टेस्ट है। अरे वाह, इस शेल में सुपर पावर्स होंगी, क्योंकि इसने मुझे मेरे सोलमेट से मिलवाया। ये, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। अब हमारे पास ये क्या है? खूबसूरत है। हे ओलिविया, ये तुम, ये शेल्स कितने गंदे हैं। जरा हटो। मिया, अरे नहीं, मेरा प्यारा शेल। ये गलती से हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी लव लाइफ खत्म हो गई। कोई बात नहीं। नहीं, सब खत्म ही है। वह क्या है? समझ गई। मैं इससे शेल जोड़ सकती हूँ। बस मुझे देखो और सीखो। सारे शेल पीसेस यहाँ पर रखेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा। दो प्लास्टिक कप्स लेंगे और इनमें थोड़ा थोड़ा रेजिन डालेंगे। जब ये हो जाए तो दूसरे में भी डालें। परफेक्ट। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, कलर डालेंगे। बस थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स डालिए। इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। अच्छे से मिलाएंगे। इन बलून्स की बारी है। हाँ, ये फूले नहीं हुए। देखा, ये कितने स्ट्रेची हैं। हम इसी का फायदा उठाएंगे। शेल्फ से कुछ नया बनाया जाए। इन्हें एक एक करके बलून में डालेंगे। थोड़ा समय लगेगा, पर बढ़िया चीज बनेगी। टूथपिक्स को साथ में इकट्ठा करेंगे और एक से बलून के कोने में छेद करेंगे। थोड़ा दम लगाएं। जब हम इसमें दो डाल दें, तो इन्हें बीकर्स के ऊपर रख दें।
अब इसमें कलर्ड रेजिन डालेंगे। बिल्कुल आराम से डालें ताकि सीधा होल में जाए, और जब ये ऊपर तक भर जाए तो हम इंतजार करेंगे। देखना चाहते हैं क्या बना? आपको बहुत पसंद आएगा। शेल इयररिंग्स, जबरदस्त है ना? ओ ओलिविया, हाँ? ये क्या है? तुम्हारे नए शेल इयररिंग्स, ये तो लाजवाब है, और ये से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना? तुम सबसे अच्छी हो मिया। एयरपॉड्स बहुत कूल गैजेट है और इसका केस थोड़ा बोरिंग होता है, पर एक 3D पेन से हम इसे बहुत मजेदार बना सकते हैं। सबसे पहले केस पर वर्टिकल लाइंस बनाएं, लाइंस को साथ साथ जोड़ते हुए पूरे केस पर बनाते जाएं, बटन के आसपास भी और केस के नीचे के हिस्से को भी कवर करें लाइटनिंग पोर्ट को छोड़ते हुए। जब ये हो जाए कलर बदलें और ढक्कन पर सर्कल बनाएं। 3D पेन स्टिक से इसके ऊपर ट्रायंगल बनाएं, अब फूल बनाएं और आखिरकार थोड़ी आईलैशेस। ये बन गया आपके एयरपॉड्स के लिए यूनिकॉर्न केस। हे, जरा ये देखो कितना प्यारा है ना? मैं जानती हूँ मेरा केस तो बहुत प्लेन है। वाओ, ला ला ला।